दोन्ही हात नाही पायही नाही, पण स्वतः 18 किलोमीटरचा प्रवास करून हा व्यक्ती नोकरी करतोय, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवतोय. पाहुयात दिव्यांग आशिष सोनीच्या जगण्याविषयीचा हा स्पेशल रिपोर्ट. छत्तीसगडच्या बलरामपुरात एक धैर्यवान युवक राहतो, त्याचं नाव आहे आशिष सोनी. जन्मताच हात आणि पाय नसलेल्या आशिषला रोज अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, पण त्याच्यामध्ये असलेली जिद्द आणि काम करण्याचं वेड त्याला स्वस्थ बसू देत नाही. विशेष म्हणजे आशिष दिव्यांग असूनही त्याच्या कुटुंबाची जबाबदारी उचलतो. लेकिन मैं स्कूटी चला लेता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, कंप्यूटर चलाता हूँ. अभी मैं जॉब भी कर रहा हूँ और 10वीं पास कर लिया हूँ. अभी मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ 12वीं क्लास में. जी इस अवस्था में मेरे को दो तीन कठिनाई आती. एक तो है कि मेरे को सैलरी महीना में 10,000 रुपये मिलता है, जिसमें से मेरा घर 15 किलोमीटर के दूर में है, तो अप डाउन करने में. आशिष शंकरगड जनपद नगर पंचायती मध्ये कंप्यूटर ऑपरेटरच्या पदावर काम करतो. आशिष घेत असलेल्या परिश्रमाचं त्याचे सगळे सहकारी कौतुक करतात. काम करने का हौसला अच्छा है, बुलंद है और काम भी अच्छा कर रहा है. काम करने का रुचि ठीक है, समय पे आते हैं और काम करते हैं अपना. और जैसे नॉर्मल आदमी जो काम करता है वही काम पूरा कर लेते हैं. ना ही अपने पास बैठते हैं, सब लगता ही नहीं कि ये विकलांग है, मतलब ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको कोई काम ना दिया जाए, इस टाइप का. आशिष सर्वसामान्यांप्रमाणे कंप्यूटर मोबाईल आणि गाडी चालवतो. विशेष म्हणजे आशिष रोज 18 किलोमीटरचा प्रवास करून कार्यालयात वेळेत दाखल होतो. जिल्ह्यातील अधिकारी वर्ग देखील आशिषचं कौतुक करतात. या आप लोगों के द्वारा इसके बारे में बताया गया है, ये बहुत ही अनुकरणीय और ऐसा है कि जिसे दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिले. वो खुद ही अपना सारा काम करता है, न केवल काम करता है बल्कि अपनी आजीविका के लिए किसी दूसरे का मोहताज नहीं है. उसमें हम लोगों को और मदद करने के लिए मैंने वहाँ के CEO जनपद को कहा है कि उनके साथ जो आते हैं उनको वहीं पर कार्यालय में किसी काम में नियोजित करें, ताकि उनको भी आय का स्रोत हो जाएगा और उनके जीवन स्तर जो है उनकी जीविका अच्छी से होगी. आशिषच्या वडिलांना त्याच्यासाठी दिवसभर वेळ द्यावा लागतो. चालता येत नसल्यानं आशिषच्या वडिलांना त्याला उचलून न्यावं लागतं. शिवाय घरची परिस्थितीही बेताचीच, पण सतत मुलाच्या पाठीमागे राहावं लागत असल्यानं जगन्नाथ यांना कोणतंही काम करता येत नाही. और ये पढ़ लिख रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, और इनका हौसला है कि शासन यदि मेरा कुछ सहारा कर देता तो मेरा दयनीय स्थिति जो है वो सुधर भी जाता और अच्छा से ज़िंदगी कटता. और मेरा यही कहना है कि हमारा यह दूसरा बच्चा है तो इनके पीछे हम पूरे दिन रह जाते हैं, मेरा कोई आय नहीं होता है, मेरा आय का स्रोत बस यही लड़का है. आशिष दिव्यांग असूनही प्रचंड परिश्रम घेतो, कुटुंबाचा गाडा चालवण्याची जबाबदारी उचलतो. आशिषकडे हात आणि पाय नसले तरी त्याच्याकडे धडधाकट माणसापेक्षाही जास्त इच्छाशक्ती आहे. आशिषच्या कामाची शहरात सर्वत्र चर्चा होत आहे. तो दिव्यांगांचं प्रेरणास्थान बनलाय. शुभम कुलकर्णीसह ब्युरो रिपोर्ट AM News.